नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ है इरफान और ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। आइए हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम इरफान आलम है, मैं संग्रामपुर दहीचूला गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई डांसिंग क्लासेस पंकज भैया के मार्गदर्शन से हो रही है और मैं 9th क्लास में हूँ। अब शुरू करेंगे सिलसिला। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे साथ यहाँ पर बच्चे क्यों बैठते हैं, मेरे साथ बच्चे यहाँ पर इसलिए बैठते हैं ताकि वे सामने से प्रश्नों का सामना कर सके, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके और जिससे पता चल सके कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। और बाकी बच्चे भी जो इस वीडियो को देखेंगे वे भी कुछ सीख सके। यदि वो थोड़ा सा भी कुछ सीखते हैं इस डिस्कशन से तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। सबसे पहला भाज्य संख्या कौन होता है? सबसे पहला भाज्य संख्या चार। वेरी गुड। क्यों चार है? भाज्य संख्या की परिभाषा करें, क्या बताइएगा? चार तो आपका सही उत्तर है। ऐसी संख्या जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से एक संख्या से विभाजित, कम से कम स्वयं और कम से कम एक संख्या और से विभाजित हो वो भाज्य संख्या। प्रथम तीन सम संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा? प्रथम तीन सम संख्या कौन कौन है? दो चार छह। इसको जोड़ने में आपको इतना टाइम लग रहा है? बारह। चलिए, शायद क्लास में होते तो बहुत जल्द बता देते। परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताइए। परिमेय संख्या किसी भी संख्या को मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें q बराबर नहीं हो जीरो के। तो रूट सात परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तीन बटा चार क्या है? परिमेय की अपरिमेय। अच्छा, रूट तीन बटा पांच क्या है? अपरिमेय। रूट तीन बटा पांच अपरिमेय। ठीक, रूट तीन में रूट पांच से गुना करने पे क्या प्राप्त होगा? रूट पंद्रह होगा। वेरी गुड। आठ और बारह का एचसीएफ क्या होगा? HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे इन दोनों में भाग लग जाए आठ और बारह में, तो चार होगी सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों भाग लग जाएगा। तो आठ और बारह का HCF क्या हो जाएगा? चार। चार हो जाएगा। तो माइनस पांच ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है? माइनस पांच ऋणात्मक संख्या। माइनस पांच और दस में बड़ा कौन है? दस में माइनस नहीं लगाया, ध्यान से। माइनस पांच और दस में बड़ा कौन है? दस। अगर ये पूछा जाए माइनस पांच और माइनस दस में बड़ा कौन है, क्या बताइए? माइनस बड़ा। हाँ, माइनस पांच या माइनस दस, ठीक है माइनस पांच। अब बताइए जीरो दशमलव दो है, दो के ऊपर रेकडिंग है, इसे पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? 0.2 है, दो के ऊपर रेकडिंग है, p बटा q के रूप में बदलिएगा तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? 2/9 यानी 2/9। वेरी गुड। ठीक है, 0.5 है, पांच पर रेकडिंग नहीं है, इसे p बाई क्यू के रूप में बदलिएगा तो क्या होगा? 5/1। ध्यान से, 5/10 होगा ना, तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 का दशमलव प्रतिशत शांत हुआ या अशांत हुआ? 1/5 का दशमलव प्रतिशत शांत हुआ। वेरी गुड। चलिए, अच्छा स्थिति है,
मैथमेटिक्स में इरफान का, इसको और बेटर आपको करना है, ठीक है, अभी जो है कंडीशन है उसको और बेटर करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। ठोस के बारे में कुछ बताइए। ठोस और उसका आकृति एकदम निश्चित होता है, ठोस में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब बताइए विसरण क्या है? दो पदार्थों का स्वतः मिलना, दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना, स्वतः क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण की जो प्रवृत्ति है वो ठोस होती है या द्रव अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है? ठोस में होता है। पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है, तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, या दोनों में से कोई एक? दोनों में से कोई एक। हाँ, सही उत्तर है। बताइए इरफान की ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपात। वेरी गुड। खुली हवा में वाष्पीकरण की दर घट जाती है या बढ़ जाती है? घट जाती है। खुली हवा में वाष्पीकरण का दर जो है बढ़ जाएगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। तो जब इरफान का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस है और सोशल साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो बेईमानी होगी। चलो तो सोशल साइंस में हिस्ट्री से आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कंडीशन है आपका। ब्राजील की खोज किसने की? ब्राजील की खोज, ऑप्शन आपको बता रहा है, कोलंबस ने, केवर्ने ने, वास्को डी गामा ने? केवर्ने। अच्छा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? अर्गोस। वेरी गुड। कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? चीन का। जेनेवा का। वास्को डी गामा भारत में जब पहुंचा था कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदर कहाँ पर पहुंचा था? तो वहां से उसका रास्ता गड़बड़ हो रहा था, रिटर्न होने वाला था वहां से, तो रास्ता किसने बताया था? अब्दुल मजीद, मैगलन, दो में से बताइए। अब्दुल मजीद। ठीक है। अच्छा, कुबलाई खान कहाँ के निवासी? चीन, भारत, स्पेन, जापान? चीन का। कुबलाई खान चीन का निवासी। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। पढ़े थे आप? चलो अच्छा है। इसाबेला का नाम सुने? इसाबेला रानी थी स्पेन की। इसाबेला स्पेन की रानी थी। अच्छा, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तांबा। चांदी पर निर्भर रहा। चांदी, ध्यान रखिएगा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, रोम, जर्मनी? रोम। गुड, सही उत्तर है। अच्छा, पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना? पुनर्जागरण जापान, जर्मनी, इटली, चीन? इटली। वेरी गुड। और इरफान का परफॉर्मेंस हमें काफी बेहतर लगा और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको और बेहतर कीजिए, नहीं खुद को और बेटर बनाइए, मतलब आज से मेहनत कल कुछ मिनट अधिक हो, ये वाला भाव अंदर रहना चाहिए कि आज मैंने जो कुछ सीखा कल मुझे इससे बेटर करना है, मतलब प्रतिदिन का शेड्यूल। अगर आप एक रूटीन से बोर हो जाते हैं तो प्रयास करें कि डेली का अलग अलग रूटीन हो,
डेली रूटीन 5 मिनट लगेगा बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं अपने रूटीन से, तो उसे डेली बनाएंगे क्या दिक्कत है, और खुद को और इम्प्रूव करते जाना है। फिर हम लोग यहाँ पर साथ में बैठेंगे और उम्मीद है कि उस बार आपका परफॉर्मेंस इससे भी बेटर होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।